नमस्कार, स्पार्कल प्राइम इंडिया में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुई हत्या और लूट, चालक को बंधक बनाकर मारा, वारदात के बाद हुआ फरार। राजधानी जयपुर रही कर्फ्यू के हवाले, स्कूलों पर भी लटके ताले, कांस्टेबल से कहा सुनी के बाद हुआ उपद्रव। छात्र मर्डर मामले में सख्त हुई सरकार, स्कूलों से मांगे सुरक्षा रिपोर्ट, वहीं सड़कों पर उतरे अभिभावक। और बाजरे के खेत में मिली युवती की लाश, गला काटकर की हत्या, रेप का भी बना संदेह। कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक चालक और खलासी को बंधक बनाकर हत्या और लूट की वारदात करने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद इन बदमाशों ने सामान और नकदी लूट ली, इसके बाद मौके से फरार हो गए। पानीपत से चेन्नई के लिए प्लास्टिक दाने से भरा ये ट्रक रवाना हुआ था। जब ट्रक दिल्ली जयपुर हाईवे से जा रहा था तो इसी दौरान कोटपुतली के पास कैंटर में सवार हथियारों से लैस बदमाशों ने ट्रक को रुकवा लिया। उन्होंने ट्रक चालक और परिचालक से मारपीट की और दोनों को बंधक बनाकर उन्हें मुंह पर कपड़ा बांध दिया। इसके चलते चालक की दम घुटने से मौत हो गई। बदमाशों ने ट्रक में भरे करीब 125 प्लास्टिक दाने के कट्टे सहित 16,000 रुपए की नकदी और 2 मोबाइल छीन लिए। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद खलासी मुकेश ने जैसे तैसे अपने आप को मुक्त कराया और पास में एक दुकान पर पहुंचकर आप बीती बताई। दुकानदार ने अपने फोन से थाने में कई बार फोन किए लेकिन थाने का फोन किसी ने नहीं उठाया। साथ में 108 एम्बुलेंस को भी जानकारी दी लेकिन वह भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद जब पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी आई तो इसके चालक ने खलासी को पुलिस चौकी पहुंचाया। तब जाकर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी कराई और अचेत चालक को राजकीय BDM अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। जी, हम ये पानीपत से गाड़ी करके चले थे, कल हमें वहां पे डिटेल रोहतक, कल शाम को रोहतक से चले हम यहां पे हरियाणा वालों के खेड़ी वाले के होटल पे आके हमने खाना पूना खाया। 2:30 बजे के एयरपेयर में हम आगे गाड़ी में लौट में थे। गाड़ी में लौटने के बाद आज 4 घंटे बाद 6 आदमी आए, 5-6 आदमी, एक गाड़ी में बैठा हुआ था आदमी, एक 6 टायरी गाड़ी हुई थी वहाँ पे खड़ी हुई थी, ठीक है, उसमें बैठा हुआ था। वे हमारे को मारने सोते सोते हमको मारने लग गए, हमारा मुंह माँ हाथ पार सब कुछ बांध दिया उन्होंने। बांधने के बाद पूछने लगे पैसे कितने ले रहे हो, पैसे दो, गाड़ी की चाबी दो। उनका गाड़ी की चाबी ना देने के बाद उन्होंने फिर और ज़्यादा मारे हमको। पुलिस हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा पर CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है। भले ही इस मामले में पुलिस अब सतर्कता दिख रही है लेकिन अगर रात को थाने में फोन रिसीव कर लिया जाता तो बदमाशों को जल्दी पकड़ लिया जाता। राजधानी जयपुर के रामगंज क्षेत्र में कांस्टेबल का डंडा एक दंपत्ति को लगने के बाद बिगड़े हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटना से गुस्साए लोगों ने पावर हाउस और कई वाहनों को फूंक दिया था, साथ ही दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी थी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 पुलिसकर्मी सहित कई लोग जख्मी हो गए। देर रात 4 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया था और इसके चलते आज जनजीवन खासा प्रभावित रहा। प्रदेश की राजधानी एक छोटी सी घटना के चलते उपद्रव का शिकार हो गई। जयपुर शहर का रामगंज गलता गेट, रामगंज थाना और सुभाष चौक सबसे संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। शुक्रवार की रात रामगंज चौपड़ के पास जाम की शिकायत को लेकर पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहां एक कांस्टेबल रिक्शा चालक को हटा रहा था। इस दौरान एक बाइक सवार अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहां से गुजर रहा था तो कांस्टेबल का डंडा उन्हें लग गया। इसे लेकर कहा सुनी हो गई। बाइक सवार साजिद का आरोप है कि उसकी पत्नी आरसी और बेटी को चोटें आई हैं और वह रात 9 बजे रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची। इसी बीच थाने के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर बातचीत की जा रही थी कि इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की। इसे रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की।
इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और एक पावर हाउस को आग के हवाले कर दिया। वहीं 108 एम्बुलेंस सहित 5 गाड़ियों को फूंक दिया गया, साथ ही दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग करने के साथ ही लाठीचार्ज की। इस दौरान 8 पुलिसकर्मी और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं एक व्यक्ति आदिल की गोली लगने से मौत हो गई। उधर देर रात 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। वहीं शनिवार को शिक्षण संस्थाएं भी छुट्टी रहीं। साथ ही सिंधी कैंप बस स्टैंड से दिल्ली आगरा की ओर जाने वाली बसों सहित अन्य वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उपद्रव सामने आते ही एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को मौके पर भेजा गया था। इस टीम ने लोगों को खदेड़ दिया, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ने से बच गई। गौरतलब है कि 9 साल पहले जयपुर बम धमाकों के वक्त भी कर्फ्यू लगा था। वहीं कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से लोग जरूरी सामान के लिए आज खासे परेशान रहे। इलाके में सारे स्कूल भी बंद रहे। जिला प्रशासन का कहना है कि मेडिकल से संबंधित इमरजेंसी सेवा के लिए लोग 108 को कॉल कर सकते हैं। अन्य सेवाओं को सुचारू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और हालात सामान्य होते ही कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ माणक चौक, सुभाष चौक, रामगंज और गलता गेट थाना क्षेत्र में पूरी तरह से बंद है। इन 4 थानों क्षेत्रों में 4000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि रामगंज, माणक चौक और सुभाष चौक थाना क्षेत्र में सैकड़ों दुकानें यानी गद्दियों पर करीब 50,000 लोग काम कर रहे हैं और आज यह कामकाज ठप रहा। देर रात 2 बजे से लेकर आज भी पूरे क्षेत्र में एसटीएफ, आरएसी और लोकल पुलिस ने गश्त की है। कुछ जगहों की तलाशी भी ली गई है। सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जो इन थाना क्षेत्रों में स्थित गलियों में गश्त कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की टीम भी स्थानीय पुलिस की मदद के लिए तैनात है। देर रात हुए उपद्रव के बाद शहर की आधी चारदीवारी में करीब 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं रामगंज थाने पर आज सुबह से ही 7 आईपीएस अफसर, करीब 1 दर्जन आरपीएस अफसर और 15 एसएचओ मौजूद रहे। इसके अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे एवं स्थिति पर निगरानी के लिए रात भर थाने में बैठे रहे। गौरतलब है कि रामगंज को शहर का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण निरोधक अभियान से लेकर अन्य ऐसे ही कार्यक्रम यहां आकर विफल हो जाते हैं। अतिक्रमण की दृष्टि से नगर निगम ने घाट गेट से रामगंज के रास्ते पर कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कुल मिलाकर जयपुर में ये मामूली विवाद इतना बड़ा कि शांति के लिए खतरा बन गया। ऐसे में जरूरी है कि सभी वर्ग संयम रखें और अफवाहों पर ध्यान दिए बिना सद्भाव की मिसाल कायम करें। गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं स्कूल की सिक्योरिटी संभालने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई की गई है। उधर अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर खासा हंगामा किया। छात्र से कुकर्म के नाकाम प्रयास के बाद बस कंडक्टर ने गला रेत कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई के सभी स्कूलों से सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उधर इस केस के आरोपी कंडक्टर अशोक कुमार को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गौरतलब है कि भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में बच्चे की हत्या सुबह लगभग 8 बजे हुई, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और वारदात के 3 घंटे बाद तक क्लासेस जारी रखी थी। वहीं सोहना की बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि आरोपी की तरह कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। इस बारे में शनिवार को एक प्रस्ताव पास किया। वहीं रियान इंटरनेशनल स्कूल में घटना से गुस्साए अभिभावक सड़कों पर उतर आए और स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मृतक बच्चे की मां ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि असली गुनहगार कोई और है, जिसे बचाने के लिए कंडक्टर को मोहरा बनाया जा रहा है। बच्चे की मां ने संदेह जताया है कि उसके बच्चे ने स्कूल के टॉयलेट में स्कूल से जुड़े लोगों को कुछ गलत करते हुए देख लिया होगा। इसके बाद सच्चाई दबाने के लिए प्रद्युमन की हत्या कर दी गई। प्रद्युमन की मां का सवाल है कि जब उसका बच्चा बस से स्कूल जाता ही नहीं था, तो बस कंडक्टर उसे क्यों मारेगा। बच्चे की हत्या से गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के पास विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वहीं स्कूल के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं मृतक छात्र के पिता वरुण ठाकुर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को अपने वकीलों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी पहुंचे। कुल मिलाकर इस घटना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है।
वहीं उनका आक्रोश जायज भी है क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा स्कूल के भीतर इस तरह छात्र के मर्डर ने अन्य स्कूलों के सुरक्षा इंतजामों की तरफ भी इशारा किया है। देखना है कि सरकार और प्रशासन आगामी दिनों में क्या कदम उठाते हैं। अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र में एक लड़की का गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टि इसे रेप के बाद हत्या करना बताया जा रहा है। एमआईए थाना अंतर्गत खुटेटा कला गांव स्थित खेत में एक लड़की का शव बरामद किया गया है। बाजरे का ये खेत खुटेटा और गुजराबास के मध्य है। इस लड़की की गला रेंधकर हत्या की गई है। ये खेत क्षेत्रीय निवासी तोताराम गुजर का है। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और थाना अधिकारी यहाँ पहुंचे। मृतका की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस द्वारा आसपास के गाँव के लोगों को शिनाख्त के लिए घटना स्थल पर बुलाया गया है। थाना अधिकारी एमआईए पवन चौबे ने बताया कि लड़की की गला रेतकर हत्या की गई है, लेकिन रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों द्वारा ही की जा सकती है। सूचना ये थी कि गांव पड़ता है कुटेटा कला के आगे जो खेत है, खेतों के अंदर कोई डेड बॉडी की सूचना थी। मौके पर जाके वहाँ देखा तो एक डेड बॉडी वहाँ पे हमारे को मिली और अपने जिसके गले पे प्रहार करके और हमारे बाकी अपने मौके से हमने खून के ब्लड के सैंपल उठा लिए हैं और अभी जांच लेके डेड बॉडी किसकी उसको आइडेंटिफाई करने में अभी हम ट्राई कर रहे हैं और उसके हाथ पे भी मार्क मिला है। तो आइडिया है कि शायद लुहार और इस तरह की कोई कम्युनिटी है जिसकी ये लड़की हो सकती है। हाँ, मामला मर्डर का है। क्रम तो अभी अपने जब तक मेडिकल मुआयना नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कह सकते, लेकिन प्राइमा फेसी जो चीज़ निकल के आ रही थी मामला बिल्कुल हत्या का है और जिस तरीके से इसका अपने गला काटा गया है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने मर्डर नहीं है, पर रेप हुआ है या फिर क्या चीज़ है वो भी अपने मेडिकल मुआयने के बाद में वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। इस युवती की कहीं दूसरी जगह हत्या कर शव को यहां पटका गया है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में उसकी गुफा से गर्ल्स हॉस्टल तक जाने वाला गुप्त रास्ता मिला है। वहीं AK-47 के मैगजीन का बॉक्स भी बरामद हुआ है। आज डेरा सच्चा सौदा में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। गुरमीत राम रहीम की गुफा की तीसरी मंजिल पर 50 फीट क्षेत्र में खुदाई चल रही है। यहाँ नई मिट्टी डाले जाने के निशान के बाद खुदाई की जा रही है। गुफा से गर्ल्स हॉस्टल और साध्वी निवास की ओर जाने वाला गुप्त रास्ता मिला है। इसे बहुत सफाई से छिपा दिया गया था। इसके अलावा डेरा में अवैध रूप से चल रही विस्फोटक फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसे सील कर दिया गया है। यहां भारी मात्रा में विस्फोटक और पटाखा बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम के बेटे जसमीत की कोठी भी तलाश की जा रही है। सर्च टीमें डेरा परिसर में राम रहीम के अन्य परिजनों से यहाँ भी जाँच कर रही है। गुरमीत राम रहीम की गुफा 12 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ये गुफा तो नाम की ही है, बल्कि दरअसल इस ये इमारत किसी महल से कम नहीं। 3 मंजिला इस इमारत में 7-स्टार होटल जैसी सुविधाएं जुटाई गई हैं। उत्तराखंड के रुड़की से भूगर्भ विशेषज्ञों की एक टीम अभी डेरे के अंदर है। पूरे डेरे को अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। डेरे में सुरंग होने का अंदेशा भी है और शक है कि इन सुरंगों से होकर डेरा से आपत्तिजनक सामान बाहर भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि पहले दिन डेरा परिसर में संदिग्ध हालत में 5 लड़के मिले थे। इनमें से 2 नाबालिग बच्चों को बाल संरक्षण टीम को सौंप दिया गया और अन्य टीम को पुलिस अपनी निगरानी में रखा हुआ है। जयपुर में पत्नी से विवाद के चलते तनाव में आए एक युवक ने पुलिस अधिकारी को मुक्का जड़ दिया। मामला शिप्रापथ थाना इलाके का है। दरअसल शिप्रापथ थाने के दुर्गापुरा इलाके में रहने वाले योगेश की छोटी चौपड़ पर साफे की दुकान है। योगेश का अपनी पत्नी से काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है। लगातार पत्नी से होने वाले झगड़े से ये युवक थक गया और शिप्रापथ थाने पहुंच गया। इस बीच पत्नी भी वहां आ गई। इस दौरान योगेश ने पुलिस को अपनी पत्नी से मारपीट करने और खुद को जेल में डाल देने की बात कही। पति पत्नी की आपसी कहासुनी को लेकर शिप्रापथ थाना पुलिस बातचीत ही कर रही थी। इस बीच ACP देशराज यादव शिप्रापथ थाने आ गए और उन्होंने यहां बैठे योगेश से पूछताछ की तो उसने खुद को जेल में डालने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पूरा माजरा जानने के बाद देशराज यादव ने योगेश को यह बोलकर मना कर दिया कि ऐसे किसी को जेल नहीं भेजा जाता।
इतना सुनते ही योगेश ने एसीपी देशराज के मुख पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। इस घटना में एसीपी के मुंह से खून निकल आया। एसीपी से मारपीट करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में योगेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि योगेश पत्नी से परेशान था और उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के लिए किसी भी रूप में जेल जाना चाहता था। इसके लिए उसने पुलिसकर्मी को पीटने की योजना भी बनाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहां राजनाथ से सबसे पहले सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। 4 दिवसीय यात्रा पर आने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार राज्य में हर समस्या का समाधान चाहती है और अपनी इस यात्रा के दौरान वे बातचीत के इच्छुक हर व्यक्ति से मिलने को तैयार हैं। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह अपने 4 दिवसीय इस यात्रा के दौरान अनंतनाग, जम्मू और राजौरी भी जाएंगे। यहां पर गृह मंत्री सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अलावा कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही कश्मीर के लिए जारी 80,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत जारी योजनाओं की समीक्षा भी होगी। करौली जिले कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह यादव की बैठक में कुछ जनप्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। इस दौरान गाली गलौज की स्थिति भी बन गई। प्रभारी मंत्री ने बहु मुश्किल उन्हें शांत किया। जनता को जो इंदौर में कैसा हो रही है, इस सांसद को जनता ने वोट दिया, यह चोरों की दलाली की बात करता है, ये चोरों का सम्मान करता है। श्रम विभाग ने मंत्री जसवंत यादव करौली के जिला प्रभारी भी हैं। वे बैठक लेने के लिए यहां कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार और पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया पर हिंडौन भाजपा विधायक राजकुमारी ने अनियमितता सहित कई आरोप लगाए। इसी दौरान गाली गलौज शुरू हो गई। मामला तूल पकड़ते देख प्रभारी मंत्री ने बीच बचाव करते हुए दोनों को शांत किया। सब ये देखकर दंग रह गए कि जो जनता की आवाज बनकर विधानसभा और संसद में जाकर लोगों की पैरवी करते हैं, वे आज खुद अपनी बदजुबानी दिखा रहे हैं। यह बैठक जिले की योजनाओं से संबंधित थी, लेकिन यह नेता आपस में ही उलझकर रह गए। अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कोटा में जागरूकता रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने किया। रैली में खासी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके जरिए लोगों को खुदकुशी से बचाने के लिए प्रेरित किया गया। देशभर में आत्महत्या करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों की खासी तादाद है जो पढ़ाई के तनाव में आकर अपनी जान दे देते हैं। कोटा जिले में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आत्महत्या के इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से कोटा में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। रैली में एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नागौर जिले के छोटी खाटू में एक युवक ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। छोटी खाटू में एक प्रॉपर्टी डीलर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान डीडवाना के सपूका गांव निवासी भवानी सिंह के रूप में हुई है। वह यहां महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी से रेलवे ट्रैक पहुंचा था। इस वाहन की नंबर प्लेट RJ45 लिखा हुआ है। मौके पर पहुंची खुनखुना थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुई हत्या और लूट, चालक को बंधक बनाकर मारा, वारदात के बाद हुआ फरार। राजधानी जयपुर रही कर्फ्यू के हवाले, स्कूलों पर भी लटके ताले, कांस्टेबल से कहा सुनी के बाद हुआ उपद्रव। छात्र
मर्डर मामले में सख्त हुई सरकार, स्कूलों से मांगे सुरक्षा रिपोर्ट, वहीं सड़कों पर उतरे अभिभावक। और बाजरे के खेत में मिली युवती की लाश, गला काटकर की हत्या, रेप का भी बना संदेह। प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। स्पार्कल प्राइम इंडिया की टीम के साथ मैं नूपुर शर्मा, नमस्कार।